हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुष्का, आपकी गार्डनर दोस्त, और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मेरी प्यारी बगिया में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस बहुत ही खूबसूरत से प्लांट के बारे में। इसका नाम है सिंगोनियम और ये एक बेल की तरह चलता है। ये देखिए इसके लीव्स कितने सुंदर हैं, ये वेरिगेटेड है और इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है। आप देख पा रहे होंगे कि मेरा ये सिंगोनियम का पौधा कितना हेल्दी है। आपके बगिया को खूबसूरती देने के साथ साथ ये पौधा एक बहुत अच्छा काम करता है। सिंगोनियम का पौधा एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर है। ये 24 घंटे ऑक्सीजन ही निकालता है। सिंगोनियम के पौधे को आप अपने रूम में भी रख सकते हैं। ये एक इंडोर प्लांट है। इसको फुल सनलाइट नहीं चाहिए, 2 या 3 घंटे की सनलाइट भी अगर इसको मिल रही है तो इसके लिए काफ़ी है। और अगर नहीं भी मिल पा रही है, आपने इसको इंडोर रखा है, तो आप उसे 1 दिन धूप दिखा सकते हैं। ये देखिए कितना हेल्दी है ये सिंगोनियम का पौधा। इसके स्टेम्स देखिए। और इस सिंगोनियम के पौधे को मैंने कटिंग से तैयार किया था। मैं आपको आगे इसका मदर प्लांट भी दिखाऊंगी कि इसके मदर प्लांट की अब क्या कंडीशन है। ये सिंगोनियम का पौधा मेरा 5 से 6 साल पुराना है और इस कटिंग को मैंने 2 साल पहले तैयार किया था। और ये देखिए ये कितना हेल्दी है। और अब देखिए ये है एक मदर प्लांट सिंगोनियम का, इसी से मैंने वो कटिंग तैयार की थी। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है। और अब मुझे इसकी करनी है रिपोर्टिंग, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है, इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि ये पॉट पूरा टूट गया है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इसकी रूट्स सारी निकल के बाहर आ चुकी हैं और इन्होंने पूरा पॉट तोड़ दिया है। मैं आपको इसकी रिपोर्टिंग भी दिखाऊंगी कि आप कैसे सिंगोनियम के पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसकी रिपोर्टिंग अब बहुत ज़रूरी हो गई है। आप इसके लीव्स देखिए, ये कितनी बड़ी बड़ी लीव्स हैं। ये हमारी हथेली की साइज़ से भी बड़ी लीव्स हैं। सिंगोनियम के पौधे को एक बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए। ये 7 से 8 इंच के पॉट में भी बहुत इजीली, बहुत अच्छे से सालों साल ग्रो करता रहता है। आपको अपने घर में इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट रखने चाहिए, क्योंकि ये एक लो मेंटेनेंस पौधा है और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको नर्सरी पर मिल जाता है। दिखने में ये बहुत खूबसूरत है और उससे भी ज़्यादा है ये गुणकारी। चलिए अब करते हैं हम इस सिंगोनियम के पौधे की रिपोर्टिंग। ये देखिए मैंने इसे पूरा बाहर निकाल लिया है और ये देखिए इसकी रूट पोल देखिए कैसे इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा डेवलप होके रूट बाउंड हो चुकी हैं। ये देखिए इसी वजह से ये अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पा रहा था। ये देखिए मैं इसके सारी रूट्स को हटा दूंगी। ये इसकी फाइब्रस रूट है, ये दोबारा ग्रो कर जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं। इसी वजह से अब इसमें अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि रूट्स को बढ़ने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है। मैं इन सारी रूट्स को हटा दूंगी। ये देखिए मैं इसकी मिट्टी भी हटा देती हूँ। मैंने इसमें, क्योंकि मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी थी, इसलिए मैंने इस पौधे में 2 दिन से पानी नहीं दिया था। सिंगोनियम का पौधा बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता। ये देखिए इसके स्टेम्स कितनी मोटी हो चुकी हैं और ये कटिंग से बहुत ईजिली चल जाता है। मैं आपको इसकी कटिंग्स लगाना भी बताऊँगी कि आप किस मौसम में और कैसे इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें से जितनी भी इसमें अनहेल्दी स्टेम और फालतू स्टेम्स हैं, मैं उनको काट के हटा रही हूँ। सिर्फ जितनी हेल्दी स्टेम्स होंगी वही मैं इस पौधे में छोड़ूंगी। ये देखिए मैं इनको भी हटा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इसलिए मैं इन सबको निकाल दूँगी। अगर कोई ख़राब लीफ भी है आपके पौधे में तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। सिंगोनियम को ग्रो करना बहुत ईजी है। ये बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस है, इस पर किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं लगती। और अगर आप इसको 3-4 दिन भी पानी नहीं देंगे तो भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर ये प्लांट इंडोर रखा है तो आप इसमें अगर 1 सप्ताह तक भी पानी नहीं देंगे तो भी इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इजीली ग्रो करता रहेगा। अभी मुझे लगता है इसमें थोड़ा और हटाना पड़ेगा,
मैं इसकी और मिट्टी हटा रही हूँ, उसके बाद में इसको गमले में रखूँगी। ये देखिए मैं इसकी सारी मिट्टी हटा चुकी हूँ और अब मैंने इसको रखा है पॉट में। देखिए अब इसमें से मैंने बहुत सारी स्टेम्स निकाल दी हैं, इसलिए ये इतना भरा हुआ नहीं लग रहा है। आप भी इसी तरीके से मॉनसून में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मॉनसून एक ऐसा सीज़न है जब आप किसी भी पौधे की कटिंग को ईज़िली लगा सकते हैं और ये रिपोर्टिंग करने का एक बहुत ही अच्छा समय होता है। अगर आप अपने पौधे की किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। इस समय आप इजीली अपने पौधों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आपका पौधा शॉक में नहीं जाएगा। पर अगर आप ज़्यादा गर्मियों में या सर्दियों में पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधा शॉक में चला जाता है। पर मॉनसून में क्योंकि धूप नहीं होती या बहुत हल्की धूप होती है, लगातार बारिशें बनी रहती हैं, इस वजह से पौधा शॉक में नहीं रहता। रिपोर्टिंग करने के बाद को में आपको पौधे को धूप में नहीं रखना है, आपको उसे 4 से 5 दिन शेड में रखना है। उसके बाद अगले 4 से 5 दिन उसको सेमी शेड में रखना है और उसके बाद आपको उसे सनलाइट में शिफ्ट करना है। पर क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है तो आप इसे अगर सेमी शेड में भी रखते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छा चलता रहता है। आप इसे ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ इसमें छन की सनलाइट आती हो, या फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इसमें 2 या 3 घंटे की सनलाइट मिलती रहे। ये देखिए मैंने इसमें पानी दे दिया है, मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं दूंगी क्योंकि मैंने इसमें जो मिट्टी डाली है वो गीली थी। और ये देखिए पानी कितनी जल्दी नीचे